औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से अपनी इस बहन के चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वो आपकी भरपूर मदद कर सके। आपके लिए सहारा रूहानी इलाज की सहूलत दस्तयाब है, आप वो भी करवा सकते हैं। बहुत से लोगों की मदद की जा रही है, यहाँ तक कि हजारों लोगों की मदद की जा रही है। आप भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले सकते हैं। कोई परेशानी है, कोई तकलीफ है, रूहानी इलाज की जरूरत है या सहारे की जरूरत है, आप जरूर अपनी बहन को याद करें। मेरी पूरी कोशिश होगी कि जो आपके लिए मुनासिब है वो आपको बताऊं, जो आपके लिए बेहतर है वो आपको बताया जाए। इसी के साथ आज जो मैं आपके साथ अमल लेकर आई हूं, बहुत प्यारा, बहुत लाजवाब है और अपनों को जो है पाने का ये वजीफा भी है, इसको अमल भी कर। मेरे नजदीक वजीफा की अपनी एक अहमियत है, अमल की अपनी एक अहमियत और रुतबा है। अमल का तल्लक आलिम से है, अमल का तल्लक आलिम से है और अमल का तल्लक जो उनसे है अपने रब की जात से है। अमल का तल्लक एक वली से है, अमल आमिल करता है, ठीक है। अगर वो आलिम हो तो क्या ही बात है। तो ये अमल जो उनसे है, इसलिए मैं आपको ज्यादा बताती हूँ क्योंकि इसमें ताकत होती है। हर चीज में आप वजीफा किसी भी वक्त कर सकते हैं, अमल के लिए एक मखसूस टाइम और उस चीज को देखना पड़ता है। आज की सबसे प्यारी अहदीस सबसे पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से शुरू करते हैं। फरमाने मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला हया और करम वाला है, जब इसका बंदा इसके आगे मांगने के लिए हाथ फैलाता है तो इसको हया आती है कि कुछ अता किए बगैर इनको खाली लुटा दे। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक जो है, जब आप दुआ मांगते हैं, अल्लाह से फरियाद करते हैं, अच्छे तरीके से अमल करते हैं, तो मेरे रब की जात क्यों नहीं आपकी बात सुनेगी? मेरे रब की जात तो चाहती है कि मेरा बंदा आए, मुझसे दुआ करे, मुझसे फरमाइश करे, मुझसे जिद करे और मैं उसको अता करूं। जब भी किसी अपने प्यारे को पाने का दिल करे ना, तो पहले अपने रब को पाओ, फिर अपने प्यारे को पाओ। अपने रब से तल्लक जब कायम मजबूत हो जाएगा, यकीन माने सब काम तो वहीं पर ही संवरते चले जाएंगे, खुद ब खुद पाँव में आके गिर जाएगा। अल्लाह ऐसी मोहलत ना लाए, वैसे ही दिलों में इज्जत बरकरार है, खुद ब खुद वो आपके पास चला आएगा, आपकी इतनी इज्जत करेगा, उसके दिल में से सब गंदगी, सब मैल, सब नाराजगी खत्म हो जाएगी। ये बहनें जो भाई हैं वो अपनी शादी के लिए भी वजीफा कर सकते हैं, और जो अब घरों में परेशान हैं, जो अपना प्यारा कोई नाराज है, कोई बहन नाराज है, कोई भाई नाराज है, किसी अपने प्यारे से मिलने से वो दूर हो गया है या वो बहुत कोसों दूर है, इसके लिए भी ये वजीफा आप कर सकते हैं। आज जो मैं आपको वजीफा बताने लगी हूँ, अमल बताने लगी हूँ, इसमें परहेज सिर्फ ये है कि आपने गोश्त नहीं खाना। और आज आयत करीमे का वजीफा है, ला इलाहा इल्ला अंत सुभानका इन्नी कुंतु मिनज़्ज़ालिमीन। ये एक ऐसा वजीफा है जो कभी किसी ने आपको नहीं बताया होगा, बताया बहुत सी वीडियोस में, लेकिन इसका पूरा तरीका आज मैं आपको बताने लगी हूँ। जिस तरीके से मैं आपको बताऊं, सिर्फ एक जो है दिन का ये वजीफा है, एक आवर घंटे का ये वजीफा है, सिर्फ इसको करने में आपके जो मिनट दरकार है वो सिर्फ 3 मिनट दरकार है। जो तरीका आज मैं बताने लगी हूँ, सिर्फ वो गौर से सुने। आपने क्या करना है, सबसे पहले एक सुरख रंग का धागा लेना है, धागा, डोरी या कोई भी रिबन, इस तरह का आपने सुरख रंग का, अगर सुरख नहीं मिलता तो कोई और कलर, लेकिन नीम कलर हो, जैसे फ्रोजी, जैसे गुलाबी, ठीक है, जैसे हरा, सब्स, ठीक है, इस तरह के कलर हो, तो हल्के कलर हो, ठंडे कलर हो, नीला रंग हो जाए, काला रंग ना हो, क्योंकि काला रंग अपनों को प्यारों के लिए शोक की अलामत होती है, तो फिर ये हम रंग इस्तेमाल नहीं कर सकते। हम नई ब्लू नहीं इस्तेमाल कर सकते, जो ब्लू कलर है या नीला कलर है, तेज नीला है, वो भी नहीं इस्तेमाल कर सकते, तेज जो है गुलाबी कलर नहीं इस्तेमाल कर सकते, तेज जो पर्पल कलर्स होते हैं, इस तरह का नहीं, ठीक है। मैं आपको इसलिए गाइड करती हूँ ताकि गलती की कोई गुंजाइश नहीं, ये अमल है। अब आपने क्या करना है, दुकान से किसी भी शॉप, जो मतलब के मुर्गी जहां पर गोश्त मिलता हो वहां पर जाएं, वहां से 3 पर लेके आए, मुर्गी के 3 पर। अगर आपको पर नहीं मिलते, ठीक है, तो एक कागज लें, ठीक है, उसके ऊपर आप
बिल्कुल सेम मुर्गी के पर बनाए, ठीक है, वो उसकी कटिंग करके वो रखें, आसानी के लिए मैं कह रही हूँ, ठीक है। अगर ये नहीं तो, लेकिन मुर्गी के पर हो तो क्या ही बात है। अब आपने बोली, अगर तो आपने किसी से मिलना है या किसी से बात करनी है या किसी के घर जाना है, उसको मनाने के लिए जाना है, तो बस वो आपने अपनी, अगर भाई है तो पॉकेट में, बहन है तो अपने पर्स में रखकर लेकर जाए। अगर ये भी नहीं कर सकते तो उसका एक ये भी तरीका है कि आप अपने चेहरे पर वो जो पर है मुर्गी का, आप किसी का भी ले सकते हैं, कबूतर का भी ले सकते हैं, तोते का भी ले सकते हैं, मुर्गी का भी ले सकते हैं, घर में अगर है उस मुर्गी का भी ले सकते हैं, कोई भी आप पर जो उनसे इस्तेमाल करें। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन 33 मरतबा पढ़ना है। अब आपने उसका पढ़ने का तरीका भी सुन लिया, तीनों पर ले, तीनों पर को एक साथ जोड़ दें, ठीक है। जोड़ने के बाद उसके ऊपर आपने ये दम करना, ठीक है, पढ़कर दम करें। अब पर को जब आप 33 मरतबा पढ़ लें, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ एक दफा पढ़ें, 33 मरतबा अब जो आयत करी मैं वो पढ़ के, अब हरा रंग का कपड़ा लें, उसके अंदर उनको पैक करके किसी डब्बे के अंदर डाल के रख दें। अगर किसी डब्बे के अंदर भी नहीं डाल के रख सकते तो लेकिन कपड़े में लपेट के उसको रखिए। कपड़ा रेशम होना चाहिए, रेशमी कपड़ा हो, ठीक है। अगर रेशमी नहीं मिलता तो फिर मजबूरन सूती कपड़ा लें। लेकिन जब आप कलमा पढ़ रहे हो तो इसका टाइम है मुकर्रर, सुबह का टाइम, 12 बजे का टाइम, 2 बजे का टाइम, पाकिस्तान के हिसाब से बता रही हूँ। आपके वहां पर जो भी पाकिस्तान के हिसाब से है या जिस वक्त वहां के मुल्क से बाहर के लोग हमें ज्यादा सुनते हैं, तो उनके लिए भी ये गुजारिश है कि आप जो है अपने मुल्क के हिसाब से जो है अपने टाइम को मेंटेन करें, ठीक है। अब आप तहज्जुद के टाइम तब भी कर सकते हैं। अब आपने क्या करना है, परों को जोड़ के फिर आपने पढ़ाई करनी है 33 मरतबा, तसव्वुर कामिल रख के, और जिसको आप पुकारना चाहते हैं, अगर उनकी तस्वीर है तो वो आप उस पर दम कर सकते हैं, अगर तस्वीर नहीं है तो आप वैसे ही गैबी दम कर सकते हैं, तस्वुर में ला के दम कर सकते हैं, ठीक है। कभी ना कभी तो आपने उनको देखा ही होगा ना, तो इस तरह भी आप कर सकते हैं। अगर किसी के रिश्तों का मसला है तो वो बहन जो है वो इसका तरीका ये है कि वो जिस जाहिर है जिसका रिश्ता है उसका नाम तो पता ही होगा। अगर रिश्ते नहीं भी आ रहे तो सिर्फ ये पढ़ाई एक ही दिन की है, उसमें कपड़े में लपेट के रिश्तों की नियत करके डब्बे में रख के बंद कर दें। जहां चाहेंगे वहीं से रिश्ता आएगा, जहां चाहेंगे भाई लोग वहीं से रिश्ता आएगा। इतना प्यारा वजीफा आपको कभी किसी ने नहीं बताया होगा, एक दफा ये जरूर कीजिएगा। और अपनी बहन को याद रखिएगा, और कोई मसला हो, कोई परेशानी हो, अगर इस्तखारा रूहानी इलाज की जरूरत हो तो प्लीज बहन को जरूर याद करेगी। जिन जादू आसेब का मसला हो, बंदिश का मसला हो, रिश्तों की बंदिश का मसला, कारोबारी बंदिश का मसला हो, तो जरूर याद करें, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।